अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वारिद मिंसा लॉग। आज हम लोग पिजन के बारे में वीडियो बनाए हैं और ये मैं हमारे घर की बालकनी में अंडे रख दिए थे। ये कबूतर जंगली कबूतर है, ये जो हमारे अपार्टमेंट में आसपास बहुत सारे हैं। इनका नंबर्स बोलना है तो आपको देर आर जैसे कि 100-200 प्लस पिजन्स हैं जो जंगली है। ये हमारे फ्लैट्स के आसपास हैं ये, और इनके एक अंडे और बच्चे जो हैं 21 डेज का टाइम फ्रेम होता है। एक जैसे ही बच्चे डाले घास के ऊपर या मट्टी के ऊपर, इन लोग अपना खुद का घर बना लेते हैं और 21 डेज में ये लोग बच्चे आ जाते हैं इनके बाहर, और फिर 14 डेज में बच्चे बड़े हो जाते हैं। 14 डेज या फिर 16 डेज भी लगते हैं, और इसके बाद इन लोगों के इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ पिजन्स भी हैं। जैसे मैंने बहुत साल पहले पाला था, जैसे मैं अपने कॉलेज के टाइम पे इन लोगों के साथ बहुत खेला है इनके साथ। जैसे कि इन लोगों के नाम बताना चाहता हूँ आपको, हमारे पास चीनी होते हैं जो जातीले कबूतर होते हैं, चीनी, त्रेवाल, डूमा। इन लोगों को पहचानना है तो हम लोग इनके आंख देख के पहचानना चाहते हैं। बट अगर आप देखते हैं ये कबूतर, इनके आंख लाल होते हैं और ये सब घाबरे रहते हैं। जो जंगली होते हैं वो बहुत घाबरे होते हैं, मतलब इन लोगों को जान का बहुत डर रहता है कि कोई पकड़ ले, और बहुत ही एक्टिव रहते हैं ये लोग। और जैसे कि जातीले बोले, जातीले भी यही रहते हैं, जब तक आपको जान ना लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, आपको और जिस टाइमिंग से खाना दे रहे हैं उन लोग तब तक। और इसके बाद ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे जातीले कबूतर अपना घर, या फिर हम लोग उसको छतरी बोलते हैं, अम्ब्रेला, अगर आप जातीले कबूतर पाल रहे हैं और छतरी बना दिए अपने टेरेस पे या फिर रूफ पे, तो इन लोगों को आदत हो जाती है उस पे जाके बैठने के लिए। और इसके बाद उनके पर फेदर्स जो हैं, विंग्स और फेदर्स जैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये लोग उड़ना भी उड़ते हैं ये। और जातीले कबूतर 11 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे उड़ते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमारी बालकनी में देख रहे हैं, दो अंडे पिजन डालती है, दोनों के बच्चे आना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे एक ही बच्चा आया है और एक अंडा गंदा हो गया है। और ये बच्चा डेली अगर देखते जाओगे, इसका कलर एंड जो फेदर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं 16 डेज या फिर 14 डेज में, ये बच्चा बड़ा हो जाता है। और इसके बाद इसकी माँ और इसके बाप, फादर एंड मदर, दोनों मिलके इसको उड़ाना सिखाते हैं, और आजू बगल में सब दिखाते हैं कि क्या क्या है, एक सेफ्टी की तरह। और जैसे मैंने इधर एंट्री किया था, उसका फादर बैठा था और बाप बच्चों को छोड़ के भाग जाता है। मतलब जैसे हम लोग एंट्री होते हैं बालकनी के अंदर, तो ये घबरा होके उठ के चल जाता है, बट माँ नहीं जाती है, माँ उधर ही बैठी रहती है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है, नहीं छोड़ के जाएगी। मतलब आपको मारेगी, काटेगी, मतलब काटना मारना मतलब इतना दूर से भी नहीं लगता है पिजिन का मार, बट प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को। और ये मतलब मदर और फादर दोनों भी बच्चों को सेका देते हैं और बाहर से जाके खाना खा के आके वो बच्चे को भी फीड करते हैं। हम लोग भी घर में जो भी रहता है वो डालते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि वो अंडा, एक अंडा गंदा हो गया है, मतलब इसके अंदर बच्चा होगा भी और मर गया होगा, सांस लेने नहीं हुआ होगा जिस टाइम पे वो बाहर निकलना चाहता था। बट इसके अलावा भी हम लोग इन लोगों को इधर फीड करते हैं, और हम लोग घर पे जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये लोग भी खाते हैं। बहुत सारे टाइम घर के अंदर भी घुस जाती है, किचन के अंदर फीमेल और मेल दोनों घर के अंदर घुस के
प्लेट्स जो भी खाना सालना रहता है गिरा के भाग जाते हैं ये लोग, तो हम लोग कभी भी बालकनी का डोर्स क्लोज करके रखते हैं। लकीली इस दोनों अंडे में से एक बच्चा बाहर आ गया है और इन लोगों का आंख अभी तक नहीं खुला है। डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। दिन में 3-4 बार तो हम लोग जाके देखते हैं कि बच्चा अच्छा है या फिर नहीं। जैसे देख सकते हैं ये माँ बैठी है और बच्चे को सेका दे रही है, और जैसे ही सामने जाते हैं हम लोग एक घाबरी हो जाती है और मारने लगती है। और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना बहुत ही केयर से करते हैं ये लोग। तो मैं अपना वीडियो इधर तक दिखाया हूँ, और ये जब बच्चा बड़ा होगा तो दूसरा वीडियो बना के डालूँगा जिस तरह से बड़ा होगा बच्चा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।